मम्मी जी हम चलते हैं। सुनो बहू। जी मम्मी जी। ये इस बारी क्या बात हो गई? ये जो तुम काम पर जाती हो, एक महीने से 5 दिन ऊपर हो गए और तुमने अभी तक अपनी तनख्वाह हमारे हाथ पे नहीं रखी, कहाँ खर्च कर दियो? ओ मम्मी जी, मेरे दिमाग से निकल गई, भूल गई इस बारी। तो लाओ निकालो। जी मम्मी जी। लीजिए मम्मी जी। ये इस बारी तुम्हारी तनख्वाह इतनी कम क्यों लग रही है, क्या बात है? मम्मी जी, भाई का एडमिशन होना था और घर पे पैसे नहीं थे, बहुत कम पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे दे देती हूँ तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें अपनी तनख्वाह में से पैसे देने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम मायके में नहीं रहती हो और शादी के बाद पैसों पे हक सिर्फ ससुराल वालों का होता है, मायके वालों का उस पे कोई हक नहीं होता। जी मम्मी जी। मम्मी जी कैसे जीते रहो बेटा, और कैसा रहा आज ऑफिस? बहुत बढ़िया। बहुत खुश दिखाई दे रही है आज, क्या बात है? क्योंकि मुझे आज मेरी पहली सैलरी मिली है। वाओ, वेरी गुड। मम्मी जी मेरी पहली सैलरी आपके लिए, ये आप रखो। नहीं बेटा, इसे आप रखो, ये आपके मेहनत की कमाई है, ये आपकी है, इसे अपनी जरूरतों पे खर्च करो, सेविंग करो, और अगर मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं आपसे ले लूंगी। आप रख लो ना, मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं आपसे ले लूंगी, कोई फर्क है क्या? आप रखो। नहीं बेटा, इसे आप रखो, ये आपके पूरे महीने की मेहनत की कमाई है, मेहनत करके जब अपना पैसा अपने हाथ में रहता है ना तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है बेटा। हमें पता है जब कभी हमें जरूरत होगी तो हमारी बेटी पीछे थोड़ी ना हटेगी। मम्मी जी वो बात तो है, मुझे आज मेरी पहली सैलरी मिली है ना, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब जल्दी से आंखें बंद करो। आंखें बंद करो, क्यों? करो जल्दी करो। ओह वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सुंदर साड़ी है बेटा, प्यारी, बहुत सुंदर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं पापा जी के लिए भी लाई हूँ और इनके लिए भी लाई हूँ। और अपने मम्मी पापा के लिए और भाई बहनों के लिए? उनके लिए तो मैंने कुछ नहीं लिया अभी। क्यों? सच बात बताऊँ मम्मी, मैं सोच रही थी अगर उनके लिए गिफ्ट ले लूँ तो पता नहीं सारे क्या सोचेंगे। अरे क्यों सोचेंगे, उनकी जगह जो है ना वो हमसे हमेशा पहले रहेगी। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज जिस काबिल बनाया कि तुम इतनी अच्छी जॉब पे लगी हो। नहीं, जरूर हेल्प करो बेटा, क्यों नहीं, जरूर हेल्प करो। जब तुम्हें उन्होंने इस काबिल बनाया है कि भी तुम आज इतनी अच्छी जॉब पे हो, तो अगर उनकी जरूरत है तो तुम्हें जरूर उनकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, ये आप रखो, आपने पूरे महीने मेहनत करी है, ये आपकी है, आप इसको अपनी जरूरतों पे खर्च करो, इससे सेविंग करो, ये अपने पास रखो, अगर मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं ले लूंगी। अरे तो आप रख लो, मेरे को कोई जरूरत होगी तो मैं ले लूंगी, कोई फर्क है? आप अपने पास रख लो। नहीं नहीं बेटा, ये आप अपने पास रखो, मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगी। जब अपनी मेहनत करके अपने हाथ में रहते हैं ना कमाए हुए तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, अपने पास रखो। बात तो है, बहुत खुश हो रही हूं मैं।